हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमीन की वैकेंसी निकली है, उसी से रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों कमेंट कर करके आप ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है? बाकी की जानकारी भी आपको आगे बताई जा रही है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें आप, ठीक है? तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हम आपको वेबसाइट बताते हैं किस वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट ये है, BCECEBORD, मतलब BCECBoard.bihar.gov.in। इस पर आप गूगल पे क्लिक करेंगे, गूगल पर इतना टाइप कर करके सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का पेज ओपन होगा, ठीक है? इस टाइप का पेज ओपन होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सबसे नंबर फर्स्ट में दिखेगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे उस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक नया पेज ओपन हो कर करके आएगा, ठीक है? और इस नए पेज पर हमें देखना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन सब दिया हुआ है, यहाँ से नोटिफिकेशन हमें डाउनलोड करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हमारे पास 4 नोटिफिकेशन है, ठीक है? तो हम आपको नोटिफिकेशन ओपन कर करके दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है, पूरे अच्छी तरीके से डिटेल वाइज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये मतलब जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आया है अमीन के लिए। चेंज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवाइस नंबर है BCECEBEFCC 3/2020, डेट 25/9/2020 को ये आया है। नंबर 2 पे है प्रोस्पेक्टस ऑफ अमीन, नंबर 3 पे डिटेल्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी 22/9 को आया है। तो दोस्तों, हम नंबर 3 पे क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद अब हमारे सामने ये PDF ओपन हो चुका है, ठीक है? जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ अब हम देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो आया है वैकेंसी, ये आया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से, बिहार सरकार, ठीक है? और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये है कि ये 10+2 पर आया है, ठीक है? तो यहाँ हम पढ़ते हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ये एग्ज़ाम जो है, ये फॉर्म भी ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है? और उसके बाद ये आपको एग्ज़ाम जो होगा वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक है? जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो टोटल पद है 40 है, ठीक है? सामान्य के लिए ये है, पिछड़ा के लिए ये हो गया, अत्यंत पिछड़ा के लिए ये है, अनुसूचित जाति के लिए ये, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग जो महिला है उनके लिए एक पद दिया गया है, दिव्यांग है, ठीक है? उसमें से दो हैं, उन दो है जिसमें से एक दृष्टिहीन और एक मूक बधिर के लिए है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये हो गया, ठीक है? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए के पोता पोती नाती नतनी किसी भी कोटि से एक है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये टोटल एक है। तो दोस्तों, अब हम आपको नीचे बताते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, कि नंबर 3 शैक्षणिक योग्यता, जो योग्यता है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है?
अमीन पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब ये 10+2 पर है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक जो भी हो, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, वहाँ से 10+2 से आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। नंबर 4 पर क्या है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, नंबर 4 पर जो है आयु सीमा आरक्षण, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, आयु सीमा आरक्षण परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT। यहाँ देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT का विषय सिलेबस ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया पर अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के वेबसाइट जो है, इसका वो वेबसाइट भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये रहा वेबसाइट www. आप पहले डाल देना, ठीक है, या नहीं तो आप गूगल पे लिखोगे, ठीक है, beecebord.bihar.gov.in पर उपलब्ध एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज EFCC की विवरण पुस्तिका से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नंबर 5 पे अब हम चलते हैं। नंबर 5 पर क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT हेतु चयन की प्रक्रिया, चयन किस तरीके से होगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मार्कशीट एवं संबोधित प्रमाण पत्रों के जो प्रांत इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक को जोड़कर कुल प्राप्तांक के आधार पर मेधा क्रमानुसार कोटिवर कुल रिक्तियों को लगभग 10 गुण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, नोट, राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम अंक 25 होंगे तथा प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। कार्य अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी एवं कैलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक के अनुभव को 1 वर्ष एवं 6 माह से कम अनुभव को 0 माना जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित निर्देश। ठीक है, नंबर 6 में हम देखते हैं क्या है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट beecebord.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज EFCC लिंक पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके वेबसाइट पर जाना है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उस पर आपको जाना ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, वहां पर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इसके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिखेगा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह एवं पढ़ एवं समझ लें। ठीक है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेंगे। अब देखो, नंबर 1 जो है स्टेप है, रजिस्ट्रेशन का जो नंबर 1 स्टेप है, ठीक है, वो बताते हैं हम आप सबको। ये रहा, अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सभी सूचनाओं को सही सही प्रविष्ट कर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें। ठीक है दोस्तों, ये रहा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन करने के समय वह यह ध्यान रखें कि वो अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड या जो भी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ आएगा वो आपके मोबाइल पर आएगा, मैसेज और ईमेल पर, जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो ईमेल पर। ठीक है, अगर वहाँ से कुछ आता है तो, अगर मेल के जरिए आता है तो। स्टेप टू में है कि बेसिक डिटेल वहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, ये रहा स्टेप 2। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर अकाउंट में लॉगिन करें तथा कंप्यूटर स्क्रीन पर बेसिक डिटेल से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज को पूरी तरह से भरें एवं सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो नंबर 3 जो है स्टेप 3,
बेसिक डिटेल भरने के बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज को पूरी तरह से भरें एवं सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नंबर 4, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन पर कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज को पूरी तरह भरें एवं सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल फिल करना है, ठीक है। नंबर 5, स्टेप 5, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव से संबंधित सूचनाओं को भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कॉन्ट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे जा रहे वांछित अभिलेखों की स्कैन कॉपी को JPG या PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। 6 स्टेप, प्रीव्यू एन एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म भर देंगे तो एक बार आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर करेंगे, वहाँ पर आपको क्या है कि आप चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ फॉर्म जो है आपका वो गलत तो फिल नहीं हुआ है। नंबर 7 जो है ये आपका पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी है, ठीक है। जब आप प्रीव्यू देख लेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें, ठीक है। परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा, जब आप इसको जमा कर देंगे तो लौटाया नहीं जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित 2 प्रक्रियाएं, बैंक चालान के माध्यम से भुगतान होगा, दूसरा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको फीस कितना लगेगा हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है। उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नवत है। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹700 की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, 700। जबकि अनुसूचित जाति यहाँ है, जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों, दिव्यांग कोटि, डिसेबल कोटा के अभ्यर्थियों के लिए ₹350 मतलब ₹350 का शुल्क आपको लगेगा, ठीक है। अब स्टेप 8, डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले, क्योंकि उसमें उनके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ होंगी जिसका उपयोग भविष्य में उनके द्वारा किया जा सकता है एवं किसी प्रकार की जांच क्रम में प्रस्तुत करने हेतु पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा कहा जा सकता है। नोट में देखें, सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएं अंकित होंगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र ही हार्ड कॉपी को परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता है, मतलब जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे डाउनलोड करेंगे उसको आपको फिर हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन संशोधन का प्रावधान, मतलब आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन का जो डेट है, ठीक है, वो आया है, लेकिन फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरने की तिथि वो 30/9/2020 है। तो ये वीडियो जो है, जो हम आपको पूरा फॉर्म फिल कर करके बताएंगे किस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नीचे हमारा YouTube चैनल लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कर लेना, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप फॉर्म भर के बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको भरने में, फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि वो हमारा फॉर्म फिल करने वाला वीडियो उस नए चैनल पर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसका नीचे लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ जो डेट हैं, ठीक है, कैसे कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरने परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि,
30/9/2020 है। ऑनलाइन आवेदन भरने में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का उसका 31/10/2020 है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 29/10/2020 है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं चालान डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि ये भी आपका 31/10/2020 है। परीक्षा की तिथि घोषणा परिषद के वेबसाइट यहाँ जो है एवं राज्य सरकार के समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में की जाएगी, नोडल पदाधिकारी की तरफ से है ये, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ। नोडल पदाधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी और फॉर्म फिल करने वाली वीडियो मैं जल्द ही आपके पास 1 से 2 दिन में मैं अपलोड करूँगा नए YouTube चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कर लें और अच्छी तरीके से उसमें डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भर करके बताऊँगा आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी नई जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।